कैसे हो तो भारी बहुत ही बहुत मजे नहीं ये देखो कोई दिक्कत नहीं थैंक यू भैया धन्यवाद ठीक है तो दोस्तों काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली जो मेरा डेल्टा टू है इको फ्लो की बैटरी है वो घर आ गई तो ये अगर आप पूछोगे कि मैंने बैटरी क्यों ऑर्डर की और इसके पीछे क्या रीज़न तो इट्स इट्स अ लॉन्ग स्टोरी धीरे 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 करके रिवील करते रहेंगे अभी देखते हैं कि इसके स्पेक्स क्या हैं इसका नाम क्या है यह है इको फ्लो की डेल्टा टू जो कि 1024 जीरो टू फोर किलो वॉट की बैटरी है एंड इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटरी सो फार ग्लोबली इसको रेटिंग बहुत अच्छी मिली है मतलब जो मैक्सिमम ये ए सी आउटपुट देती है दैट इज़ अप टू एटीन हंड्रेड वाट्स तो कैसे मैं आपको बता रहा था कि जो आपके डेल्टा बैटरीज़ हैं इनकी आ, डेल्टा का इको फ्लो की जितनी बैटरीज हैं उनके थ्री ऑलमोस्ट बैटरी साइकिल है दैट इज़ इक्वल टू टेन ईयर्स मतलब दस साल आप इसको अच्छा खासा चला सकते हो और मेन रीज़न था कि मैंने इसको क्यों खरीदा क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ और आ, कोई सटल जिसको बोलते हैं ना पावर सोर्स की ज़रूरत थी तो उस पर चाहे मैं कुकिंग करना चाहूँ चाहे मैं लैपटॉप चार्ज करना चाहूँ चाहे मैं फ़ोन चार्ज करना तो मैंने इसको बहुत रिसर्च किया उसके बाद आई केम टू अ कंक्लूजन कि भाई मुझे एक अच्छी बैटरी लेनी है जो कि जल्दी चार्ज हो इसका जो चार्जिंग टाइम है वो बहुत बहुत ही अमेजिंग है मतलब अस्सी मिनट में सत्तर से अस्सी मिनट में चार्ज हो जाती है और बारह सौ वाट तक मैक्सिमम आप इसको चार्ज कर सकते हो इसको सारी चीज़ें हम बात करेंगे डिटेल में पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और अनबॉक्स करके देखते हैं कि भाई अंदर जो प्रोडक्ट है वो कैसा है मतलब इससे ज़्यादा बेस्ट फीलिंग क्या होगी अनबॉक्सिंग की माय गॉड क्या प्रीमियम चीज़ है इस पहले तो आप इसका एक आउटलुक देखो मतलब कितना प्रीमियम है दिस इज द फ्रंट साइड इसमें आपको 100 वॉट की चार्जिंग मिल रही है और यू एस सी है और फास्ट चार्जिंग है यू एस ए भी दिए हैं आपको ये आपको एडिशनल बैटरी पोर्ट दिया है कि अगर आपको इसमें एक बैटरी और ऐड करनी हो तो बहुत ही प्रीमियम है मतलब जो लुक है इसका काफ़ी सटल है दिस इज़ द बैक साइड इसमें आपको 16 एमपेयर के स्विच दिए गए हैं पाँच एमपेयर के भी हैं इसमें इंडिविजुअल ऑन ऑफ का अलग से स्विच दिया गया है और आपका सिगरेट लाइटर पोर्ट भी दिया है और थ्री एम पेयर मैक्स काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसको इन डेप जाएंगे दिस इज़ फॉर सोलर एंड जो आपकी और चीज़ें रहती हैं तो भाई शुरुआत करते हैं फ्रंट से बहुत ही मैं बताऊँ प्रीमियम लुक है बहुत अमेजिंग इसका डैशबोर्ड है और अगर हम इसको एक बार ऑन करते हैं यहाँ से जस्ट यूज नीड टू प्रेस वंस और ये पूरी की पूरी ऑन हो जाती है हंड्रेड परसेंट भी चार्ज अगर आप देख रहे हो इसमें यू है और यू फास्ट चार्जिंग भी इसमें अवेलेबल है और इसमें आप यू को ऑन ऑफ भी कर सकते हो जब आप इसको ऑन करोगे तो ये स्पेसिफ़िक सॉकेट चलेगी अगर आप इसको ऑफ़ करोगे तो ये काम नहीं करेगी सी भी दिया गया है यू एस बी सी हंडर वाट लाइक आप मैकबुक यूज़र हो कई कई चीज़ें हम लेके चलते हैं टाइप सी के आप, अब सारे मैकबुक और फोन्स और सारी चीज़ें आपको टाइप सी में मिल गई तो आप इसमें फास्ट चार्जिंग कर सकते हो और आपको दो दिए हैं यहाँ पे और आप यू एस बी से भी अपनी लाइट्स वाइट्स जो भी आपको लगता है मैंने ये स्पेशली ट्रैवल के पर्पज़ से लिया क्योंकि मैं कैंपिंग बहुत करता हूँ और जिस तरह का मेरा स्टाइल है उसके हिसाब से परफेक्ट मशीन है एक इसकी साइड आप लुक देखो कि भाई ये जो एडिशनल पोर्ट दिया है ये बैटरी के लिए है अगर आप इसमें एक थाउजेंड वॉट की बैटरी एक और कनेक्ट करना चाहते हो इको फ्लो की तो ये एक्सटेंशन है यहाँ से आप उसको कर सकते हो ऊपर फैंस दिए और देखो कितनी साइलेंट है बैटरी ऑन हो चुकी है मतलब इसमें मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही कोई फ़ैन की नॉइस नहीं अगर आप देखोगे तो मैं माइक को नज़दीक ले जाता हूँ देखो आप माइक ऑन है और बिल्कुल भी इसकी साउंड नहीं है तो मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छा है मैंने काफ़ी रिसर्च करके इसको लिया था अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड आपको बताऊं तो इसमें आप देख रहे हो कि इको फ्लो की ब्रांडिंग है थोड़ा डस्ट कैच कर रहा है जैसे ही हाथों में डस्ट लगी है वो कैच कर रहा है बट दिस इज़ लुकिंग अमेजिंग थोड़ा सा मैं आपको वाइड एंगल भी दिखाता हूँ सो तो रिज अगर मैं आपको बताऊँ आप देख रहे हो पहला जो चार्जिंग पॉइंट है वो है सोलर दूसरा है आपका एक्सट्रीम चार्जर जो आपका जो 240 फोर्टी वोल्ट्स रहता है और एक आपको दिए ओवरलोड प्रोटेक्शन तो अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो अगर आप अपना चार्जिंग पैनल यूज़ कर रहे हो 500 सौ तक की ये चार्जिंग सपोर्ट करता है आपका जो 16 एमपेयर के वो दो पोर्ट दिए गए हैं टू पिन के आपको दो पोर्ट दिए गए हैं तो सिक्सटीन एमपेयर का आप कन्वर्टर इसमें लगाओ एंड uh, आप कोई भी चीज़ इसमें मल्टी एक्सेसरीज लगा सकते हो और अगर आपको इंडिया टू यूरोप कन्वर्टर लगाना है तो आप ये कन्वर्टर यहाँ लगा सकते हो एक प्रीमियम पावर बैंक है जिसमें एक हज़ार वॉट यू नो वन थाउजेंड वन जीरो टू फोर वॉट की एनर्जी है और इसका मैंने uh, जो एक रियल टाइम जो इसको बोलते हैं ना जो टेस्टिंग की है मैंने इसकी आपको तो अभी मैंने इनबॉक्स करके बताया बट आई एम आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट लास्ट फॉर लाइक 15-20 डेज़ तो जो अनबॉक्सिंग वाला शॉट था वो 20-25 दिन पहले का था और उसके बाद अभी जो मैं आपको एक प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहा हूँ वो आपको मैं ऑलमोस्ट ट्वेंटी डेज़ के ट्रायल के बाद कर रहा हूँ मैं आपको क्यों इस चीज़ को ट्वेंटी डेज़ बाद बता रहा हूँ अनबॉक्सिंग के ट्वेंटी डेज़ के बाद बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड कि भाई कोई अगर मेरे रिव्यू पे इस प्रोडक्ट को ले तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए और थोड़ा सा सॉर्टेड हो जाए बाय करने से पहले कि भाई उसको ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं क्योंकि स्पेसिफिकली जब मैंने इसको बाय किया तो इंडियन रिव्यूज़ मतलब इसका कोई भी नहीं है आई थिंक ये शायद पहला या दूसरा वीडियो होगा फ्रॉम इंडिया जिसके पास इकोफ्लो का डेल्टा टू बैटरी का रिव्यू है जो इसके जो इसके ग्लोबली जो इसके रिव्यूज़ हैं वो बहुत ही अमेजिंग है तो इस बैटरी को ख़रीदने का मेरा एक रीज़न था क्योंकि आई एम अ सोलो ट्रेवलर एम अ ओवरलैंडर गाड़ी का बारह वोल्ट का जो सॉकेट है वो सफिशियंट नहीं रह था है, लास्ट में मेरे साथ आ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जब मैं अपने मैकबुक को चार्ज करा था तो जो 12 वोल्ट तू, टू लाइक 180 या 240 या 230 थर्टी वोल्ट के जो कन्वर्टर आते हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं रहते हैं, मतलब इतना आपको पावर नहीं जनरेट करते इतना कन्वर्ट नहीं करते कि आपका एक मैकबुक प्रॉपरली फास्ट चार्ज हो पाए तो मैंने भाई मैकबुक को भी इसमें चार्ज किया मतलब लाइक लगभग आठ या दस ही बार में चार्ज कर पाया उससे ज्यादा उसमें अलग फिफ्टी सिक्सटी परसेंट उस टाइम भी बैटरी थी फ़ोन को मैंने काफ़ी बार चार्ज किया ऑलमोस्ट लाइक थर्टी टू फोर्टी टाइम्स ड्यूरिंग द टूर क्योंकि हम बार बार शूट करते हैं एफ चार्ज माय कैमरा एफ चार्ज माय गोप्रो तो मैंने हर तरह की चीज़ को चार्ज किया है और उससे ऊपर जो मैं आपको एक रियल टाइम जो मैं इसका जो एक मैंने टेस्ट किया है वो है हीटर मतलब मैंने इस पर दो हज़ार वाट का हीटर चलाया मैंने इसमें इंडक्शन चलाया मैंने इसमें माइक्रोवेव चलाया तो वो एक इन डेप्थ वीडियो हम इसके बाद करेंगे आपको थोड़ा सा एक काइंड ऑफ अनबॉक्सिंग वाली फील दे दी आपने इंटरफेस देख लिया वीडियो को आप पूरा देखना अभी हम इसका एक रियल टाइम टेस्ट करेंगे कि इंडक्शन पर कैसा काम करता है ये कितनी जल्दी हीटअप करता है अभी आपके पास पावर बैंक पूरा का पूरा हंड्रेड परसेंट चार्ज है ये सेवेंटी थ्री आर्स दिखा रहा है आपको आ, ये आइडल मोड में अभी कोई इसमें आवाज़ नहीं है कोई इसमें आ, स्पेसिफिक न, क्या कहते हैं कोई शोर नहीं है इसमें कोई हीटअप नहीं हो रहा तो गाइज अभी जस्ट मार्केट से मैंने इसको परचेज़ किया है इट्स जस्ट लाइक ब्रैंड न्यू तो इस पर एक रिव्यू करेंगे थर्टीन हंड्रेड का है और इस पर मैं आप देख रहे हो कि इट्स ऑन लाइक हंड्रेड परसेंट चार्जिंग आप देख लो हंड्रेड परसेंट चार्ज हैं और मैं इसकी बैक साइड से इसको लगा रहा हूँ ये वाली सॉकेट को मैं आप देखो ये वाली सॉकेट को हम कनेक्ट करेंगे इसमें तो पहले मैं इसमें एक जो इंडिविजुअल ए सी ऑन ऑफ़ करने का बटन है मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और मैं इसको हैवी वाले पोर्ट में लगाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली भाई इंडक्शन है तो एक जो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको लेके चल रहे हैं तो जो 16 एमपेयर का पोर्ट है वो सबसे ज़्यादा हैवी होगा इंडक्शन मैंने यहाँ प्लेस किया है इसको मैं थोड़ा सा दूर रखूंगा क्योंकि इसके एग्जॉस्ट हैं जो वो हवा अंदर और बाहर भी छोड़ रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी भी तरह का मॉइस्चर जाए आ, पावर बैंक्स का मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कोई तो उसमें कोई भी मॉइस्चर जाए तो वो इन फ्यूचर उसके इन फ्यूचर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है तो मैं वो प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए इंडक्शन को थोड़ा दूर रख रहा हूँ आपको एक रियल टाइम पहले एक ऑन करके इसका दिखाता हूँ कि भाई ऑन करने में Uh, इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है तो अभी मैंने इसको चार्ज किया हंड्रेड परसेंट और ये ऐप से कनेक्टेड रहता है अगर आप देखोगे तो इट इज़ कनेक्टेड थ्रू एप ये देखो ये इसकी ऐप है इस पर कनेक्टेड है अगर मैं यहाँ से एसी सी ऑन करूँगा तो अपने आवाज़ सुन ली अभी आइडल मोड पे मैं यहाँ पे माइक प्लेस करता हूँ ताकि आपको एक रियल टाइम फ़ैन नॉइस और आपको शोर का आइडिया रहे तो जी ये ऑन हुआ है अभी और आइडल मोड पे ये अभी कोई पावर नहीं ले रहा क्योंकि जब तक हम इसमें बर्तन प्लेस नहीं करेंगे मैंने इसमें एक लीटर पानी डाला है तो जैसे ही मैं इसको प्लेस करूँगा इंडक्शन इट इज़ टेकिंग वन थाउजेंड वाट अब देखो इसमें ग्यारह सौ वॉट ये एनर्जी ले रहा है मैं साथ में फ़ोन पे भी शूट करता हूँ तो रियल टाइम आपको एक टेस्टिंग दिखा रहा हूँ कि उस तरफ ये इंडक्शन चल रहा है एंड ये है 1000 थाउजेंड वाट ले रहा है और 52 मिनट्स आपको दिखा रहा है इस साथ साथ टाइमर भी ऑन कर देते हैं और टाइमर से आपको आइडिया होगा कि ये कितनी देर में पानी को बॉयल कर देगा तो अभी इसको मैंने हज़ार वाट पर लगाया है मैं इसको तेरह सौ वाट पर भी लगा सकता हूँ अगर आपको रियल टाइम टेस्ट दे रहा हूँ क्योंकि जब मैंने इसको परचेज़ किया तो कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट मैंने ग्लोबल वीडियोस में देखे थे बाहर की वीडियोस में बट यहाँ से मुझे किसी की स्पेसिफिक ऐसी वीडियो नहीं मिली क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कितनी देर कुक कर सकते हैं तो आप देखो कि ये हज़ार वाट पे 50 मिनट कम से कम दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप ऑलमोस्ट करीब करीब एक घंटा तो आप कंटिन्यू कुकिंग करते नहीं हो तो बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इस पर अगर आपको एमरजेंसी आए तो आप इस पर कुक भी कर सकते हो सो so, लगभग लगभग दो मिनट होने वाले हैं और दो मिनट में पानी आप देख रहे हो कि अगर आप पानी को देखोगे तो उसमें उबाले आ रही है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तीन मिनट में एक लीटर पानी इसमें उबल गया एक लीटर से थोड़ा सा कम है ये शायद बट मैंने आइडिया से डाला है करीब करीब 700-800 ml सौ एम बट एक लीटर के करीब करीब है ये और आप देख रहे हो कि पानी इसमें बॉयल हो रहा है अच्छा खासा इसमें बबल्स निकल गए हैं फोर्टी बैटरी अभी भी दिखा रहा है तो मतलब पाँच परसेंट बैटरी में आपने पानी को बढ़िया बॉईल कर दिया दोस्तों मुझे लगा कि भाई एक रियल टाइम रिव्यू तो हम बना ही रहे पानी तो हमने उबाल दिया है एक बार कोई ऐसी चीज़ बना के देखते हैं जो लोग सबसे ज़्यादा कैंपिंग में और ट्रैवल करते बनाते यूज़ करते हैं मैगी होगी यप्पी होगी तो मेरे पास यप्पी पड़ी थी तो मैंने उसको डाल दिया फॉर्चुनेटली मैंने कैमरा को स्लो मोशन पर डाला था तो काफ़ी सारी चीज़ें उस टाइम थोड़ी सी आगे पीछे होगी बट हाँ आपको ये दिख जाएगा कि मैंने आपके सामने सामने डाला है मैं यप्पी डाल चुका हूँ हम दोबारा से प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं मैंने इंडक्शन को अपने स्टार्ट किया और इसको हम ले चलते हैं एक हज़ार वॉट के टेम्परेचर पे अभी आपका जो आउटपुट है वो हज़ार वॉट आ रहा है अस्सी परसेंट आपकी बैटरी है तो देखते हैं एक यप्पी को बनाने में आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितनी की परसेंट बैटरी लग जाएगी तो यप्पी हल्की हल्की बॉइल करने शुरू कर दी थी तो मैंने चेक किया कि भाई माइक में आवाज़ नहीं आ रही है तो पिछले दो तीन टेक्स थोड़े से स्पीड में शूट हो गए बट हाँ अभी हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अस्सी से नब्बे चीज़ें ये बैटरी बैंक आपका चला देता है तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ज़रा दोस्तों ऑनेस्टली स्पीकिंग चीज़ तो यार ये आ रही अच्छी है एक्सपेंसिव बहुत है इसका प्राइस भी मैं आपको बढ़िया डिस्क्लोज़ करूँगा कि मुझे कितने की पड़ी मैंने कैसे मंगवाई क्या प्रोसीजर रहा थोड़ा सा वो भी एलेबरेट करेंगे बट उससे पहले मुझे लगता है कि भाई पेट पूजा कर लेनी चाहिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारी सात परसेंट बैटरी यूज़ हो गई है एक इपी को बनाने में तो अगर मजबूरी हो कभी तो आप अच्छा खासा इसमें कुक भी कर सकते हो और अगर आप सोलर पैनल यूज़ कर रहे हो वाह वाह तो जी मैं स्पाइसेस डाल दिए हैं क्या बात है स्टूडियो में फर्स्ट टाइम कुकिंग हो रही है क्या है कि सारे के सारे रिव्यू करते बट मैं चाहता था कि आप इस वीडियो के लिए ज़्यादा ना रुकें कि हाँ जी मैंने आज आपको बैटरी की स्पेसिफिकेशन बताई है और कल मैं आपको या, दो या तीन दिन के वेट के बाद आपको बता रहा हूँ कि बैटरी भाई किस तरह से कुकिंग करती है किस तरह से क्या रहता है थोड़ा सा सोया भी ऐड करते हैं क्योंकि भाई मुझे थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया बना के चीज़ को ना थोड़ा सा अपने हिसाब से फ्लेवर ऐड करके चीज़ को खाना पसंद है अब लोग कहेंगे कि भाई किस तरह का रिव्यू है तो भाई मैं बिलीव करता हूँ रियल टाइम में ज़्यादा वेट अपने से होता नहीं ज़्यादा वेट मैं कर नहीं सकता और ज़्यादा वेट आपको कराऊंगा तो डेफ़िनेटली आप बोलोगे कि भाई दस वीडियो के बाद रिव्यू आया है तो चलो जी ये हमारी बनके तैयार है मैं इसको ऑफ़ करता हूँ मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच किया मतलब ये बन के ऑलमोस्ट दो मिनट पहले तैयार हुई थी बट मुझे थोड़ी सी ज़्यादा सूपी पसंद नहीं है मैं हंड्रेड एंड टेन परसेंट श्योर हूँ कि ये चीज़ जो भी लेंगे वो वर्थ इट है और ये रगेड बहुत है तीन हज़ार से चार हज़ार किलोमीटर मैंने ऑलमोस्ट गाड़ी चलाई बट ये चीज़ ने बिल्कुल भी मुझे धोखा नहीं दिया तो अगर आप देखोगे कि अच्छी खासी हमारी यी बन के तैयार है तो जो भी फ़ास्ट कुकिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है तो दोस्तों अपनी पहली चीज़ जिस पर मैंने कुक किया है वो अगर मैं आपको भाई अमेजिंग अमेजिंग पहली जो कुक मैंने इस पर किया चीज़ वो है ये ए पी इससे पहले मैंने इस पर कुछ कुक नहीं किया पानी वानी उबाला हीटर चला के देखा काफ़ी सारी टेस्टिंग की एंड मुझे इसका पोटेंशियल पता था बट जस्ट फॉर द रिव्यू मैंने आपको इस सामने कुकिंग करके बताई ऑलमोस्ट एट्टी टू पर शुरू हुआ था और सिक्सटी एट पर मैंने इसको आके बंद किया तो लगभग लगभग बार आपकी बारह से चौदह परसेंट बैटरी आपकी यूज़ हुई अगर आप इसको ट्रेवल के दौरान खाना इस पर अगर आप कुकिंग करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आप इसमें अच्छा खासा कुक कर सकते हो Uh, एक फुल कुकिंग का एक मैं एक अलग वीडियो डालूंगा जिसमें मैं देखूंगा कि इसको पूरे 100 परसेंट में हम इसको कितना एग्जॉस्ट कर सकते हैं तो जिस तरह की जैसे आपने मैगी बनाई है बड़ा बर्तन था डेफिनेटली अब ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा ज़्यादा टाइम लेगा बट अगर आप एक छोटे बर्तन में अगर इसी चीज़ को कुक करो तो आई थिंक सो कि ये पाँच से दस भी नहीं लेगा क्योंकि आपने गर्म पानी उसमें ऐड करना है आपको जितने को बॉइल होती है आप स्पाइस ऐड करते हो तो मेरे को लगता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पाँच से दस पाँच परसेंट सात परसेंट बैटरी में आप एक अच्छा मील बना सकते हो कॉफ़ी बना सकते हो पानी गर्म कर सकते हो हॉट ब्लैंकेट चला सकते हो अगर आप ठंड में एक्सट्रीम में कहीं फंसे हो तो आप इसमें हीटर भी यूज़ कर सकते हो दिस गोइंग इन बी द लाइफ सेवर फॉर ऑल दिस पीपल दो आर ट्रेवलिंग और ओवरलैंडिंग में जिनका इंटरेस्ट है उनके लिए स्पेशली ये मैं बोलूँ रिकमेंड करता हूँ हाईली रिकमेंड करता हूँ ये बैटरी कि अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप इसको डेफिनेटली uh, लो मेरी तरफ से थम्सअप है इको फ्लो के जो डीलर्स हैं इंडिया में वो भी आ चुके हैं फ्रोटल इंडिया से मैंने ये ख़रीदा है जो इनके ऑफिशियल डीलर्स हैं तो आप उनसे लो उन्होंने काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रॉमिस किए हैं कि अगर पाँच साल तक इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो सर आपके डोर स्टेप से हम इसको पिक करेंगे तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और अभी तक इसका रिव्यू पॉजिटिव है इसमें कोई भी मुझे ड्रॉबैक नहीं लगा बैटरी आपको कैसी लगी अ, मैं आपको इसका प्राइस बताऊं तो दिस कॉस्टेड मी सेवेंटी फाइव थाउजेंड पचहत्तर हज़ार ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे कॉस्ट की बट मैं से बाहर से ऑर्डर कर रहा था तो कॉस्ट वॉज वन लैक एटी नाइन थाउजेंड तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक लाख नब्बे हज़ार कुछ की मुझे पड़ रही थी तो मैंने काफ़ी ट्राई किया आई वॉज रेडी टू परचेज एट दैट टाइम बट क्या हो रहा था कि भाई बाहर से इम्पोर्ट करना इतनी महंगी चीज़ मतलब एक डायसी था मेरे लिए मैं बार बार डबल माइंडेड हो रहा था तो अल्टीमेटली आई केम टू नो की इको फ्लो इंडिया में भी सर्विस दे रहा है और uh, मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया अमेज़न पर भी अवेलेबल है मैंने अमेज़ोन से uh, इसे बाई किया और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट छः से सात दिन में आ गया उन्होंने बढ़िया से मुझे कॉल किया और इसके बारे में बताया इंस्टॉलेशन गाइड बताई तो मैं बोलूं कि अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो दिस इज़ रगेड प्रोडक्ट गुड टू गो और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको परचेज़ कीजिए सेवेंटी फाइव थाउजेंड ऑलमोस्ट कॉस्ट कर रहा है ये अगर आप ई करना चाहते हो तो उस पर भी अवेलेबल है जो उसका सोलर है उसको आने में टाइम है जो इसके जो पैनल्स हैं यहाँ पर अवेलेबल है वन ट्वेंटी वॉट या टू हंड्रेड आई वॉज लुकिंग फॉर फाइव हंड्रेड वॉट क्योंकि पाँच सौ से ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे लगेंगे चार्ज होने में चार या पांच घंटे डिपेंडिंग अपॉन सन बट अगर 120 सौ वाट का अगर मैं इसमें चार्जिंग पैनल लेता हूँ तो आई नीड टू कैरी मल्टीपल सोलर पैनल और इतने सारे पैनल्स को मैं गाड़ी में डेफ़िनेटली मेरे पास गाड़ी में एक लिमिटेड स्पेस है थार को मैंने पूरा का पूरा कन्वर्ट किया है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो आप इस बैटरी की वीडियो पर हो तो आपको थार की वीडियो भी देखनी चाहिए क्योंकि वो फर्स्ट कैरा थार ऑफ इंडिया है मतलब तो उसको कैरा नहीं बोल सकते कैंपर वैन बोल सकते हैं आव कन्वर्टेड दैट इंटू अ कैंपर वैन तो उसकी एक इंडिविजुअल वीडियो पड़ी है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इको फ्लो का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा आप उस लिंक से बाय कर सकते हो एंड अभी तक कोई दिक्कत नहीं है सर्विस के लिए मैंने जितनी बार भी कॉल किया उनका एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा है फ्लो ने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया इसमें और ना ही ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है ये मैंने बाय किया और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था इस वीडियो में तो ये मेरी रिक्वायरमेंट्स को मीटअप कर रहा है तो इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को लिया अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के बाद आप इस प्रोडक्ट पर जाना चाहते हो तो प्लीज़ एक फ़र्दर आर एंड डी ज़रूर करना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी नीड के हिसाब से दिस इज़ अ काइंड ऑफ़ अ disclaimer कि ये वीडियो सिर्फ़ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि मेरी तरफ़ से मैं एक आ, अपना व्यू आपके सामने रख रहा हूँ ये कोई एक फ़िक्स रिव्यू नहीं है बाहर की भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं आप उनको भी देखिए डेल्टा टू स्पेसिफ़िकली मैंने इंडिया में कोई भी वीडियो नहीं देखी आई थिंक दिस इज़ गंग टू बी द फर्स्ट वन अगर किसी के पास डेल्टा टू है उसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ है आपको कुछ इशू लग रहा है तो प्लीज़ मेरे को लिंक करके ज़रूर बताना ताकि इन फ्यूचर मुझे भी उससे हेल्प मिले तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हाँ है जिसकी वैडर शेयर सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए कैंपिंग विद थार मेरा चैनल है और उसमें मैं काफ़ी सारा कंटेंट एक्सट्रीम कंटेंट ट्रैवल कंटेंट सारी चीज़ें मैं उसमें अपलोड करता रहता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हाँ, तो डेफिनेटली आपको और वीडियोज़ भी अच्छी लगेंगी तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दिन टेक केयर गुड बाय एंड फीस